हरिओम मित्रों, इस वीडियो में आप सभी को विदेश यात्रा के योग के संबंध में कुछ जानकारी देंगे और ये कुंडली और हस्तरेखा के योग के हिसाब से कुछ बातें होंगी। देखिए, कुंडली जो देखी जाती है तो कुंडली में कई सारी गणित होते हैं, कई सारी गणनाएं होती हैं। हम आपको इस वीडियो में एक साधारण रूप से जानकारी देंगे, जिससे अगर आप स्वयं अपनी कुंडली या हस्तरेखा देखते हैं तो आपको ये जानकारी खुद प्राप्त हो जाएगी कि आपके जीवन में विदेश यात्रा के सुख हैं या नहीं हैं। और इसमें कुंडली की जो समीक्षाएं की जाती हैं तो खासतौर से कुंडली में चंद्र का स्थान देखा जाता है। एक नैसिक ग्रह चंद्र और शनि दो ऐसे ग्रह होते हैं जो आपको विदेश यात्रा का सुख प्राप्त करवाते हैं, और इनकी दशा स्थिति अगर किसी भी जातक के लग्न योग में सही नहीं बन रही है, यानी विदेश यात्रा की योग के अनुसार नहीं बनती है, तो चाहे एक अमृत औषधि ही आपको पिला दी जाए विदेश यात्रा के लिए, फिर भी आप विदेश का सुख प्राप्त नहीं कर पाएंगे, यानी आपके सारे प्रयत्न असफल हो जाते हैं। और चंद्र मजबूत हो, उच्च राशि से हो, तो निश्चित रूप से आप विदेश यात्रा का सुख प्राप्त करते हैं। देखिए, किसी की कुंडली में चंद्र और शनि ये दो दशा सबसे महत्वपूर्ण होती है, और कुंडली में चंद्र का स्थान देखा जाता है कि वो चंद्रमा आपकी कुंडली में कहाँ पर है। देखिए, चंद्रमा अगर 12वें भाव में, ये 12वां भाव होता है कुंडली का, हमने एक व्यक्तिगत मतलब इन्फॉर्मेशन के हिसाब से कुंडली है ये संदीप कुमार की, इन्होंने 2 साल पहले जानकारी हमसे ली थी विदेश यात्रा की योग में, और संयोग से इनको विदेश यात्रा का सुख भी प्राप्त हुआ है। तो इनकी एक समीक्षा के हिसाब से मैं आपको उदाहरण के तौर पर ये जानकारी दे रहे हैं, और ये कुंडली इन्हीं की है। तो इनकी दशा की स्थिति से देखिए, चंद्र लग्न में है, चंद्र लग्न में हो या फिर 12वें भाव में हो, 6ठवें भाव में हो, तब आप विदेश यात्रा का सुख निश्चित रूप से प्राप्त करते हैं। और शनि अगर 10वें भाव में हो, या चंद्र शनि की युक्ति 10वें भाव में लग्न में या 12वें भाव में अगर आपकी बन रही है, फिर भी आप विदेश यात्रा का सुख प्राप्त करते हैं, साथ में विदेश सेटल होकर वहाँ अच्छी आमदनी इनकम भी प्राप्त करते हैं। जैसे आप यहाँ इंडिया में कोई नौकरी कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आप वही व्यापार नौकरी उस संबंध की आप विदेश जाकर करें और अच्छा मुनाफा आपको प्राप्त हो, तो वो भी आपको वहाँ जाकर मिलता है। देखिए, एक मुख्य बात ये होती है कि जैसे ये कुंडली में चंद्र का स्थान हमने आपको बताया है, चंद्र लग्न में हो, चंद्र 6ठवें भाव में हो, चंद्र 12वें भाव में हो, तो आपको विदेश यात्रा का सुख निश्चित रूप से प्राप्त होगा। और इनकी जो लग्न राशि होती है, जैसे इस हिसाब से राशियां देखी जाती हैं, इस ग्रहों के स्वामी देखे जाते हैं, तो वो भी मजबूत स्थिति में है या कमज़ोर स्थिति में है, वो भी देखना ज़रूरी होता है। और इसके लिए इन सभी अंक जो होते हैं, इनकी एक योगनी दशा विचार की जाती है, यानी ये जो 12 आपको अंक दिख रहे हैं और 12 अंकों के हिसाब से 12 राशियां होती हैं, उन राशियों में किस ग्रहों का स्वामी सही बैठ रहा है और किस वर्ष में बैठ रहा है, ये अगर चंद्रमा आपके योगनी दशा में जिस राशि पर जिस वर्ष पर बैठेंगे, तो उसी वर्ष में आप विदेश यात्रा का सुख निश्चित रूप से प्राप्त कर लेते हैं। यानी चंद्रमा आपके लिए उस वर्ष में उन महीनों में प्रबल हो जाते हैं, बली हो जाते हैं, और विदेश यात्रा का सुख आपको प्रदान करते हैं। चंद्रमा और शनि का सबसे बड़ा हाथ होता है। शनि की दशा, शनि आजीविका, आपके आजीविका धन व्यवसाय व्यापार के लिए मुख्य रूप से शनि की कृपा आपके ऊपर अच्छी बनती है, तो आप अच्छे धन इनकम व्यवसाय तरक्की करते हैं, नौकरी योग भी आपको प्राप्त होता है, तो ये शनि की दशा स्थिति होती है। चूँकि इनके लग्न में चंद्र की दशा उच्च की थी, तो इनको विदेश यात्रा का सुख प्राप्त हुआ था पिछले वर्ष में, और अभी भी शायद ये विदेश में ही सेटल है। और इसके बाद हम आपको देखिए, कुंडली की कई प्रारूप रेखाएं होती हैं। जैसे किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली देखी जाती है तो योगनी दशा भी उसकी मुख्य रूप से देखी जाती है, किसी भी जानकारी के लिए, वो चाहे आपके विदेश यात्रा हो, संतान का योग देखना हो, नौकरी व्यवसाय का योग देखना हो, विवाह का योग देखना हो, तो बिना योगनी दशा के हिसाब से कोई जानकारी सटीक नहीं दी जाती है। और योगनी दशा जो होती है वो बहुत बड़ी होती है, यानी उसमें शुरू से लेकर आपके जन्म से लेकर आपके अर्ध वर्ष तक, यानी जो आधी उम्र की वर्ष होती है, वहाँ तक की योगनी दशा देखी जाती है। इसके बाद हम आपको हस्तरेखा के योग के विषय में बताएंगे। देखिए, हस्तरेखा भी बहुत बड़ी चीज़ होती है। अगर आप किसी भी जानकारी को जानना समझना चाहते हैं तो हस्तरेखा बहुत ही बड़ी चीज़ होती है।
हस्तरेखा में जितने आप ये सभी चीज़ें देख रहे हैं, ये आपके मौलिक जीवन, हस्तरेखा की मौलिक जीवन का पूर्ण आधार होता है। और यहाँ हम आपको चंद्र के बारे में बताएंगे, विदेश यात्रा के योग यहाँ चंद्र से बनते हैं। और ये जो आप शनि का क्षेत्र देख रहे हैं, जैसे हमने कुंडली में शनि और चंद्र की स्थिति बताई थी, तो वैसे हस्तरेखा में शनि और चंद्र की स्थिति भी मजबूत होनी चाहिए। किसी भी जातक की कुंडली में अगर शनि क्षेत्र जो है वहाँ से कोई रेखा आपकी भाग्य रेखा और मस्तिष्क रेखा को क्रॉस करती हुई, यानी इस प्रकार की, जैसे आपको बता दें इस तरह की रेखा अगर आकर सीधी चंद्र पर्वत पर मिल रही है, तो वो आदमी अपने जीवन में विदेश यात्रा का सुख निश्चित रूप से प्राप्त करता है। इसके बाद एक हर्षण योग होता है कुंडली में, हस्तरेखा में हर्षण योग का क्षेत्र होता है। यहाँ से कोई रेखा अगर आपकी स्पर्श करती हुई भाग्य रेखा को शनि की दशा में यानी शनि के क्षेत्र में जा रही है, तब भी आप विदेश यात्रा का सुख निश्चित रूप से प्राप्त करते हैं। ये दो चीज़ें सबसे बड़ी चीज़ होती है विदेश यात्रा के योग के लिए। जिनकी हस्तरेखा में ये रेखाएं हैं तो वो विदेश यात्रा का सुख निश्चित रूप से प्राप्त करते हैं। इसके बाद एक और पहचान होती है, ये जो आपकी जीवन रेखा है, ये आप देख रहे हैं यहाँ से आपकी जीवन रेखा से भी कोई रेखा अगर आपकी चंद्र की ओर जा रही है यानी चंद्र पर्वत पर आ रही है, तब भी आप विदेश यात्रा का सुख प्राप्त करते हैं। चंद्र और शनि का मेल अगर इन भाग्य और मस्तिष्क रेखा को क्रॉस करके आता है, तो व्यक्ति विदेश यात्रा का सुख तो प्राप्त करता ही है, साथ में उसको मतलब वहाँ जाकर अच्छी खासी आमदनी होती है और अपने परिवार के साथ वो पूर्ण रूप से सुखमय जीवन व्यतीत करता है, यानी उसको धन और मकान वाहन संबंधी कोई परेशानियाँ नहीं होती हैं। तो ये दोनों की कृपा आपके ऊपर बन जाती है, यानी दोनों की युक्ति जैसे कुंडली में युक्ति होती है, तो ऐसे हस्तरेखा में भी युक्ति बन जाती है। तो ये विदेश यात्रा के योग आपको बनाते हैं। ये तीन पहचान जो हमने बताई है, मुख्य रूप से ये मुख्य पहचान होती है विदेश यात्रा के योग को देखने के लिए। अब जैसे कुछ लोग सरकारी नौकरी के योग के बारे में देखते हैं, तो सरकारी नौकरी का योग भी देखिए, ये जो आप देख रहे हैं बुध, सूर्य, शनि और गुरु, ये आपके जीवन के सबसे बड़े मूल आधार होते हैं। यहाँ से आपके संतान यानी पुत्र पुत्री योग का विचार किया जाता है। गुरु कमज़ोर हैं या निर्बल हैं, इसका विचार यहाँ से किया जाता है। संतान की रेखाएं यहाँ से भी देखी जाती हैं कि आपको कितने संतान होंगे, ये संतान रेखा शुक्र क्षेत्र से भी देखी जाती है। यानी तीन हस्तरेखा में तीन चरण होते हैं जो आपके संतान योग के विचार को दिखाते हैं, या बुध क्षेत्र पर आप ये रेखाएँ देखते हैं, ये आपके संतान की रेखा होती है और यहाँ भी संतान की रेखा होती है। ये एक पुरुष का हाथ हम आपको दाहिना हाथ दिखा रहे हैं, तो स्त्री के हाथ में भी इसी संबंध की प्रारूप रेखाएं होती हैं। इसके बाद आपको हम देखिए राजयोग चिन्ह बता दे रहे हैं, ये त्रिशूल का निशान, त्रिभुज का निशान और ये मस्त का निशान, ये राजयोग निशान है जो मस्त रेखा, मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा के बीच में होती है। यानी जिनकी हथेलियों में ऐसे निशान होंगे तो वो अपने जीवन में राजयोग भोगते हैं, यानी एक शासन जैसे उनके जीवन में चलता है, उनके एक राजा या मंत्री के रूप में उनका जीवन व्यतीत होता है। राजयोग चिन्ह जिनकी रेखाओं में होते हैं। शेष हस्तरेखा में बहुत सी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। वैवाहिक योग यहाँ से देखे जाते हैं, यानी विवाह के बाद आपका जीवन कैसा रहेगा, पति के साथ या पत्नी के साथ कैसा संग चलेगा। धन की रेखा होती है जो आपके भाग्य में भाग्य रेखा और मस्तिष्क रेखा के बीच में देखी जाती है, हृदय रेखा के मध्य में होती है। विवाह रेखा आप यहाँ से देख सकते हैं, जो आपके बुध पर्वत के बुध क्षेत्र के ठीक नीचे आपको विवाह रेखा दिखेगी। अगर ये रेखा आपकी हस्तरेखा में है तो निश्चित रूप से आपका विवाह होता है, देर से होता है, तो वो कुंडली योग देखने के साथ उसका विचार किया जाता है। बाकी निर्धनता के चिन्ह होते हैं, ये क्रॉस के चिन्ह अगर आपकी हस्तरेखा में अधिक हैं तो आप समझ लें कि आपका जीवन निर्धनता के साथ चलेगा, यानी पैसों की तंगी आपके साथ रहेगी, कर्जदार भी आप हो सकते हैं। बाकी शेष व्यापार रेखा मणिबद्ध रेखा के हिसाब से देखी जाती है। बुद्धि गुण विचार, ये आपके चंद्र पर्वत के ठीक नीचे ये रेखाएं आपकी बुद्धि, आपका गुण क्या है, आपके विचार क्या हैं, ये आपको दर्शाते हैं। तो इस प्रकार हस्तरेखा में बहुत सी चीज़ें होती हैं। सरकारी नौकरी के संबंध में जो प्रश्न करते हैं, तो जैसे भाग्य रेखा, आपके भाग्य रेखा से कोई घृत रेखा शनि पर्वत की ओर जाती है, तो वो व्यक्ति निश्चित रूप से सरकारी नौकरी का योग प्राप्त करता है।
तो ये रेखाएं जो होती हैं वो आपके भौतिक जीवन, मूल भौतिक जीवन का मौलिक आधार होती हैं, और इन्हीं रेखाओं से आपके जीवन का संपूर्ण व्यक्तित्व बनता है। और देखिए, विदेश यात्रा के संबंध में हमने आपको जो चीज़ें थी वो स्पष्ट रूप से बताई हैं, और मेन यही तीन चीज़ें होती हैं जो आपको विदेश का सुख प्राप्त करवाती हैं। देखिए, किसी भी जातक के इस तरह की जानकारी विदेश यात्रा या नौकरी या अन्य किसी भी जानकारी के लिए दोनों चीज़ें अनिवार्य होती हैं। कुंडली भी अनिवार्य होती है और हस्तरेखा देखना भी अनिवार्य होता है। जैसे स्त्री की हस्तरेखा में बायां हाथ देखा जाता है यानी लेफ्ट हैंड, पुरुष की हस्तरेखा में राइट हैंड देखा जाता है दाहिना हाथ। तो इस प्रकार के योग, आप किसी भी संबंध के योग के लिए ये चीज़ें आपकी देखनी अनिवार्य होती हैं। केवल हस्तरेखा से कोई भी जानकारी सटीक रूप से नहीं बनती है, दोनों चीज़ें होनी अनिवार्य होती हैं, यानी आपकी जन्मतिथि भी हो, जन्मतिथि के साथ जन्म का समय, जन्म का स्थान और जन्म का जो आपका मूल है, जहाँ आपने जन्म लिया है, वो सभी चीज़ें आपकी देखी जाती है। तो उसके हिसाब से कुंडली का लग्न योग देखा जाता है। तो मित्रों, ये विदेश यात्रा के संबंध में हमने कुछ मुख्य चीज़ें आपको बताई हैं। बहुत सी बातें होती हैं, लेकिन आप सिर्फ इतनी चीज़ें अगर आप देख लें तो आपको निश्चित रूप से ये जानकारी मिल जाती है। चंद्रमा का स्थान अपने लग्न में देख लें, बारहवां भाव में चंद्रमा या छठवें भाव में, दसवें भाव में लग्न में हो, शनि आपके दसवें भाव में हो, तब भी आप अच्छी योग प्राप्त करते हैं, विदेश सुख प्राप्त करते हैं। शनि आपके बारहवें भाव में होते हैं, फिर भी आपको विदेश यात्रा का सुख प्राप्त करता है। और राहु भी दशा स्थिति विदेश यात्रा का योग बनाती है। जिसकी कुंडली में राहु प्रबल हो जाते हैं यानी उच्च के होंगे, वो व्यक्ति भी विदेश यात्रा का सुख प्राप्त करता है। तो ये इस संबंध की कुछ विशेष जानकारी थी, और आप ये चीज़ें अगर मूल रूप से इस पर विचार करेंगे तो आपके इस प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। धन्यवाद मित्रों, सोम मंगलम।